हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए एक्सरसाइज 6.2 और जो चैप्टर है वो है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सेवन चैप्टर के अंदर ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा है, इसमें इतने नहीं है, दो या तीन हैं, लेकिन सम्स भी इतने ज़्यादा नहीं है ट्रायंगल्स के अंदर। तो 6.2 के अंदर देखिए, यहाँ सम्स अच्छे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। नीचे जो डायग्राम दे रखे हैं उसके अंदर हमें अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स निकालना है, और जो यहाँ हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो क्या है अभी हम साथ के साथ करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें डायग्राम जरूर प्लॉट कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रफ डायग्राम ही प्लॉट करना है बस। अच्छा देखिए जरा, इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है। एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है एक साइड को आगे बढ़ाया जाए और वो एडजेसेंट साइड को के साथ जो एंगल बनता है, बढ़ाई हुई एक साइड और उस साइड के एडजेसेंट साइड के साथ बाहर जो एंगल बनता है वो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल। और प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक्सटीरियर एंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल अंदर एंगल बना रहा है उसको छोड़ के बाकी के जो दो एंगल बच गए उन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको ये लाइन लिखनी है, ठीक है, कि क्यों ऐसा हुआ कि जो आप आगे करने जा रहे हो। एक्स इजिकल टू एक्स बना रहा है ये वाला एंगल अंदर, इसको छोड़ के बाकी के दो एंगल ये है, तो एक्स की वैल्यू बराबर होगी 50 प्लस में 70। इसका मतलब हुआ एक्स की वैल्यू हुई 120 डिग्री आंसर, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड, यहाँ फिगर बनाएंगे, रफ फिगर बनाइए, ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, आपको भी ऐसे ही करना है, रफ फिगर बनानी है और बनानी ज़रूर है, लेकिन पहले आप रीजन लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके। तो एक्स की वैल्यू हुई 65 प्लस 45, 5 and 5 10 1 5 6 11 110 डिग्री आंसर, ओके। अब थर्ड पार्ट, पहला काम ट्रायंगल बनाना। फिर वही बात, प्रॉपर्टी का नाम बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्स इजिकल टू एक्स के साथ ये एंगल बना रहा है, इस एंगल को छोड़ के बाकी के दो एंगल ये है, तो एक्स की वैल्यू हुई 30 प्लस 40 70 डिग्री आंसर, ठीक है। अब टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं, ये वाली फिगर,
एक्स बना रहा है ये वाला एंगल, इस एंगल को छोड़ के बाकी के दो एंगल बच गए इस ट्रायंगल के अंदर, ये और ये। एक्स इज इक्वल टू 60 प्लस 60 120 डिग्री, ठीक है। अब ये वाली फिगर, x इज इक्वल टू 50 प्लस 50 100 डिग्री आंसर। एंड लास्ट ठीक है, x बना रहा है ये वाला एंगल अंदर, एडजेसेंट एंगल इसका x का, इसको छोड़ के बाकी के दो एंगल ये, तो x की वैल्यू हुई 30 प्लस 60 90 डिग्री आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट कर लिया। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये टोटल 6 पार्ट्स थे, हमने ये पढ़ कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें थोड़ा सा अलग होगा। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। और एक काम,